So hey guys, welcome back to the YouTube channel of contractjobs.com. My name is Rahul Bajaj and I am today's host. So guys, जितने भी लोग IT फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर फ्यूचर में किसी IT फील्ड में काम करना चाहते हैं, उनके लिए आज की जॉब वैकेंसी कुछ खास है, क्योंकि आज की जॉब वैकेंसी विप्रो की है एंड इस जॉब वैकेंसी का जॉब टाइटल डेटा एनालिस्ट है। और जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द IT जॉब वैकेंसीज पुणे एंड बैंगलोर में अवेलेबल होती है, तो सिमिलरली आज की जॉब वैकेंसी भी बैंगलोर के अंदर अवेलेबल है। तो जितने भी लोग बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आज की जॉब वैकेंसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आप फटाफट से आज की जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। तो गाइज, अगर आप लोग विप्रो के अंदर अगर डेटा एनालिस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास मिनिमम 4 to 12 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड इस जॉब वैकेंसी के लिए फिलहाल 4 ही पोजिशन ओपन है, यानी कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पोजिशन ही ओपन है। तो अगर आप इस जॉब वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं और अगर आपकी प्रोफाइल आज के जॉब वैकेंसी से मैच करती हो, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आप बिना टाइम वेस्ट किए इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। तो गाइज, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, और वो है सैलरी। तो अगर आप लोग विप्रो के अंदर एज ए डेटा एनालिस्ट काम करते हैं, तो विप्रो आपको ऑफर कर रहा है 50,000 रुपीज़ से लेके 1,25,000 रुपीज़ पर महीना सैलरी कमाने का मौका, और ये टोटली डिपेंड करता है आपके वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू के ऊपर। एंड गाइज, इससे पहले मैं आप लोगों को आज की जॉब वैकेंसी के जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊं, मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के सारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक को शेयर किया है, जिन्हें क्लिक करके आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हम सबसे पहले वहीं पर पोस्ट करते हैं। तो गाइज, अब बिना किसी देरी के बात करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। सो एज अ डेटा एनालिस्ट आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए टू राइट एफिशिएंट कोड, ताकि आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाओ यूजिंग WPS कोडिंग इन SAS। इसके अलावा आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू मूव डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम SQL टू SAS और CSV टू SQL। साथ ही साथ आपको मल्टीपल डेटा सेट्स को मर्ज करना आना चाहिए, इंक्लूडिंग मर्जिंग डेटा सेट्स इंटू 2 or more डिफरेंट फॉर्मेट्स। इसके अलावा आपको कोड को एफिशिएंट तरीके से लिखना आना चाहिए टू क्लेंस डेटा इफेक्टिवली। तो गाइज, इन सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स के अलावा भी आज की जॉब वैकेंसी की कुछ और भी खास जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनके बारे में आप लोग जान सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके। तो गाइज, इससे पहले मैं आप लोगों को आज की जॉब वैकेंसी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम हमारी वेबसाइट contractjobs.com के ब्लॉग सेक्शन को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं कुछ एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स के ब्लॉग्स के साथ में, जिनको थॉरली पढ़ने के बाद आप अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ज़रूर पा सकते हैं। तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो गाइज, बिना किसी देरी की बात करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप लोग विप्रो के अंदर एज अ डेटा एनालिस्ट काम करना चाहते हैं, तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो गाइज, अगर आपकी प्रोफाइल आज की जॉब वैकेंसी से मैच करती हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जॉब वैकेंसी के लिंक को शेयर किया है, जिसे क्लिक करके आप इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपकी प्रोफाइल आज की जॉब वैकेंसी से मैच नहीं करती, तो बिल्कुल भी निराश ना होएं। आप हमारी वेबसाइट contractjobs.com के ऊपर जाकर एक रजिस्टर्ड यूज़र बन सकते हैं अपने रिक्वायर्ड स्किल सेट के अकॉर्डिंग, और हमारी वेबसाइट पर मौजूद 1700 से भी ज़्यादा जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हमारी तरफ से आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड सुरक्षित रहें।